दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो रैम होती है कंप्यूटर में लगती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि किस तरह से आप कंप्यूटर के अंदर रैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मदरबोर्ड में कौन सी रैम लगेगी। तो ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और मैंने इसके अंदर आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी है एग्जाम्पल देकर, और मुझे उम्मीद है कि आपको रैम के बारे में सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मदरबोर्ड के अंदर जो हम रैम लगाते हैं उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम नया सीपीयू बना रहे हैं तो उसके अंदर रैम का कैसे सिलेक्शन करेंगे, और अगर हम किसी सीपीयू को अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें कौन सी रैम है, DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, उसकी स्पीड क्या है, ये सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरी लिमिट्स है विंडोज 7 के अंदर वो कितनी है। अब आप जैसे देख रहे हैं ये मैंने विंडोज 7 के वर्जन लिखे हैं, विंडोज 7 अल्टीमेट, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, होम प्रीमियम, होम बेसिक और स्टार्टर। इसमें आप देखेंगे कि ये दो हैं जो हमारे बिट होते हैं, जिसको हम 32 बिट बोलते हैं और 64 बिट बोलते हैं। अब 32 बिट के अंदर हमारा जो अल्टीमेट है विंडोज 7 उसके अंदर 4GB तक की लिमिट है, और यही अगर हम 64 बिट में देखते हैं तो उसके अंदर 192GB तक की लिमिट है। तो इस तरह से आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ये विंडोज 7 है, अब हम विंडोज 8 की बात करते हैं। सेम विंडोज 8 के अंदर भी हमारे पास जो एंटरप्राइजेस है उसके अंदर 4GB की लिमिट है 32 बिट के अंदर, और 64 बिट के अंदर 512GB की लिमिटेशन है। इस तरह से आप प्रोफेशनल में और विंडोज 8 के अंदर आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास विंडोज 10 आता है। विंडोज 10 के अंदर जो एंटरप्राइज है इसके अंदर 4GB की लिमिट है और 64 बिट के अंदर 6TB तक हम रैम को लगा सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में भी आप देख सकते हैं 2GB तक लगा सकते हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने है, आप इस लिस्ट से चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, कौन सा विंडो डला हुआ है, और उसकी जो लिमिटेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेशन से ऊपर रैम को लगाएंगे तो वो रैम आपके लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर रैम लगाने से पहले इस टेबल को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैम, जो हम कंप्यूटर के अंदर अपनी मेमोरी लगाते हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है। अब दोस्तों आप जैसे ये मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, इस तरह से अगर आप रैम को लगाएंगे जिसमें DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 बिल्कुल एक सीरीज के अंदर ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल एक ही शेप के अंदर, तो आप देखेंगे जो रैम के अंदर नॉच होता है, ये जो नॉच दिख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं जो मदरबोर्ड के अंदर फंसता है, मैं आपको भी आगे दिखाता हूं इसको, ये जो नॉच है DDR1 के अंदर, ये जो नॉच है इसकी पोजीशन यहां पर होती है, और DDR2 के अंदर ये थोड़ा सा आगे होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा आगे होता है, और DDR3 के अंदर ये नॉच यहां पर आ जाता है, और DDR4 के अंदर ये नॉच DDR1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक पहचान है, हम नॉच से पहचान सकते हैं कि ये रैम DDR1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो DDR1 रैम है वो हमारी सबसे स्टार्टिंग की रैम थी, इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो चिप लगी होती है, आईसी लगी होती है, ये बड़ी होती है। जब स्टार्ट हुई थी तो ये चिप काफ़ी बड़ी थी, आईसी का साइज बड़ा था, जैसे DDR2 आई ये साइज छोटा हो गया, ये आप देख रहे हैं, और DDR3 के अंदर ये साइज और छोटा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती गई, चिप के साइज छोटे होते गए और वोल्टेज जो ये कंज्यूम करता है वो डाउन होते गए, कम होते गई वोल्टेज। अब जैसे वोल्टेज का मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखेंगे ये हमारी स्टैंडर्ड रैम है, ये वोल्टेज है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जो स्टैंडर्ड रैम है हमारी SD रैम जो बहुत पहले आया करती थी, आजकल तो ये यूज में नहीं आती है, तो इसके अंदर जो हमारी वोल्टेज आती थी वो 3.3 वोल्ट हुआ करती थी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज़ में वो हमारी 100 to 166 तक रहती थी। और उसके बाद जब DDR1 आई तो DDR1 की जो वोल्टेज थी वो 2.5 वोल्ट और 2.6 वोल्ट के आसपास थी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 266 से 400 तक थी। अब DDR2 के अंदर यही वोल्टेज हमारी 1.8 वोल्ट हो गई और जो फ्रीक्वेंसी है वो 533 से 800 तक आ गई। DDR3 के अंदर जो हमारी वोल्टेज है वो 1.3 और 1.5 वोल्ट हो गई और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1066 टू 1866 तक आ गई। फिर DDR4 में जो हमारी वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट हो गई और फ्रीक्वेंसी जो है वो 2133 से 3600 तक आ गई।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे जैसे रैम हमारी डेवलप होती गई, रैम के जो वोल्टेज है वो डाउन होते गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी रैम डेवलप हो रही है, जो हमारी बैटरी कंजप्शन है वो कम होती गई। तो इससे हमारा क्या होता है, जो बैटरी का बैकअप है, जो लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है उसका बैकअप भी थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस तरह से भी आप रैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको अभी और भी तरीके बताता हूँ कि आप किस तरह से रैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद एक इसका और आसान सा प्रोसीजर है, जो आप मदरबोर्ड लेते हैं, जैसे एक सपोज मैंने एग्जांपल लिया है, ये हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर ये दो रैम के स्लॉट आप देख रहे हैं, ये लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो सेंटर पार्ट है, जहां पे ये नॉच होता है, जहां पे ये नॉच फिट होती है इसके अंदर, यहां पर आप देखेंगे एक रैम का वोल्टेज लिखी होती है यहां पर। इसी पार्ट को मैं बड़ा करके यहां पर दिखा रहा हूं आपको। या देखेंगे यहां लिखा हुआ DDR2 और ये वोल्टेज आ रही है 1.8 वोल्ट। ये दोनों स्लॉट के ऊपर देखिए लिखा हुआ है DDR2। ये मैंने कैमरे से एनलार्ज करके फोटो खींची है। और आपके पास जो भी मदरबोर्ड है आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये 1. यहां पे वोल्टेज लिखी होगी, यहां जो वोल्टेज लिखी है उसी के हिसाब से आप अपनी रैम को डिसाइड कर सकते हैं कि DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि 1.8 वोल्ट इस पे लिखा हुआ, देखिए 1.8 वोल्ट हमारी DDR2 रैम है। और इस तरह से आप इस मदरबोर्ड के ऊपर से भी देख सकते हैं, ये हर मदरबोर्ड के अंदर यहां पर मेंशन होगा, प्रिंट होगा यहां पर। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप रैम का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में बताता हूं। आप विंडो के स्टार्ट बटन में जाइए, यहां पर आप लिखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। जैसे आप सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये ऊपर आप देख रहे हैं ये सिस्टम इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसको एंटर करिए। दोस्तों जैसे ही आप ये देंगे आपके पूरे सिस्टम की ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं पूरे आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट, उसका वर्जन कौन सा है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उसका नाम आ जाएगा। और उसके बाद सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ये डेल का लैपटॉप है तो इसलिए डेल इनकॉरपोरेशन बता रहा है। और उस सिस्टम का मॉडल कौन सा है, इंस्पायरन N5110। और ये सिस्टम टाइप कौन सा है, जैसे ये X64 है, 64-bit लैपटॉप है तो ये 64-bit बता रहा है। अगर ये 32 होगा तो यहाँ X86 लिखा होगा जो कि 32-bit होता है। ऐसे ये प्रोसेसर की डिटेल दे रहा है, इंटेल कोर i5 का इसमें प्रोसेसर है। और बायोस का वर्जन और डेट कौन सी है, इस तरह से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रैम भी बता रहा है कि इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी 4GB है और कितनी यूज हुई है, ये सब बता रहा है। पर दोस्तों इसके अंदर ये जो रैम है इसकी डिटेल नहीं देता, इसके अंदर ये सिर्फ इतनी बताएगा कि 4GB है और ये सब आपको कंफर्म करेगा। अच्छा दोस्तों अब इसको अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। उसका नाम है CPU ID और स्पेसी, इन दोनों का लिंक मैं दे दूंगा। जैसे आप पहले हम स्पेसी को खोलते हैं, स्पेसी को जैसे ही हम खोलेंगे ये देखिए ये आपके सामने एक विंडो बनकर आ जाएगी, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों जो भी आपके लैपटॉप की पूरी समरी है इसके अंदर आ जाएगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद CPU कौन सा लगा हुआ है, उसके बाद रैम कौन सी है, मदरबोर्ड कौन सा है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, उसकी स्टोरेज हार्ड डिस्क कौन सी है, उसमें ड्राइव्स कौन सी है और उसमें ऑडियो सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों अब हमें अपना चेक करना है रैम। तो जैसे ही आप रैम पर जाएंगे, रैम को आप चेक करिए, ये आपकी रैम की पूरी डिटेल आ जाएगी। जब हमने सिस्टम इन्फॉर्मेशन ली थी तो उसमें रैम की डिटेल नहीं आई थी, सिर्फ बता रहा था कि 4GB है। अब इसके अंदर देखिए ये बता रहा है कि हमारे पास कितने मेमोरी स्लॉट है। अब जैसे इसके अंदर मेरे टोटल मेमोरी स्लॉट 2 है, उसमें मैंने एक स्लॉट के अंदर 4GB की रैम लगाई हुई है और एक स्लॉट मेरा फ्री है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि एक स्लॉट के अंदर हम कितनी रैम को लगा सकते हैं, कितने GB तक जा सकते हैं, 2GB लगेगी, 4GB लगेगी, 8GB लगेगी। और उसके बाद मेमोरी के अंदर आप देखेंगे टाइप कौन सी है, देखिए ये बता रहा है DDR3 है, साइज इसका 4GB है। और ये चैनल सिंगल है या ड्यूअल है, दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा ये चैनल सिंगल और ड्यूअल क्या होता है और इसका क्या यूज है इसका। अब DRAM की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 665.1 MHz। और ये आप देखेंगे ये सारी डिटेल रैम की हमें दे रहा है और ये फिजिकल मेमोरी कितनी यूज हुई है, कितनी फ्री है, ये सारी डिटेल आ रही है। और ये जो SPD है ये बता रहा है नंबर ऑफ SPD मॉड्यूल्स, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ SPD मॉड्यूल्स पे क्या डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको
यहाँ पर दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप रैम की यहां से पूरी डिटेल दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसके बाद अब आ जाएंगे हम मदरबोर्ड के ऊपर। अब आपको यह देखना है कि हमारा मदरबोर्ड कौन सा है और वो कौन सी रैम को सपोर्ट करता है। वो DDR1 को करता है, 2 को करता है, ड्यूअल चैनल है, सिंगल चैनल है, ये आप यहां से देखेंगे। अब इसमें कैसे पता चलेगा आपको, ये जो मॉडल है, ये मदरबोर्ड का मॉडल आ रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। जैसे ये मेरा डेल का मदरबोर्ड है, इसका नंबर है 034W60, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको हम जाके आगे चेक करते हैं और जो भी आपने कॉपी किया था उसको यहां पर नंबर को डाल दीजिए। ये नंबर डाल दिया और इसके आगे लिख दीजिए स्पेसिफिकेशन और इसको आप क्लिक करिए और ये देखिए ये आपका डेल का जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये उसका उसकी डिटेल आ जाएगी यहां पर। ये देखिए ये डिटेल आ रही है, ये देखिए ये मेरे लैपटॉप की यहां पर डिटेल आ गई है। अब आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए स्टार्टिंग में ये जनरल, इसका पैकेज क्वांटिटी कितनी है, नोटबुक टाइप कितना है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ये सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी। इसमें कैच मेमोरी कितनी है, 64 बिट है। अब नीचे आप देखेंगे आपको ये रैम की डिटेल मिल जाएगी, मेमोरी स्पीड कितनी है, 1333 MHz, टेक्नोलॉजी क्या है, DDR3 SD RAM और इंस्टॉल साइज क्या है, 4GB। अब मेमोरी इसमें देखिए यहां आ रहा है मेमोरी मैक्सिमम सपोर्टेड साइज। मैंने आपको भी बताया था कि आपको मदरबोर्ड की डिटेल से पता चल जाएगा कि आपका मदरबोर्ड कितने GB को सपोर्ट करता है। अब जैसे ये जो मेरा मदरबोर्ड है इसके अंदर ये 8GB को सपोर्ट करता है जो कि DDR3 RAM है और उसकी 1333 की स्पीड है। तो इस तरह से दोस्तों ये मदरबोर्ड का नंबर जो है ये आप डालकर पूरे अपने मदरबोर्ड की डिटेल आप वहां से ले सकते हैं। अब ये जो नंबर है मदरबोर्ड का वो आपको आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी प्रिंटेड होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि मदरबोर्ड के ऊपर से भी आप कैसे इसको डिटेल को ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक मदरबोर्ड और है, मैं आपको इसका भी बताता हूं। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, इसका नंबर है G31M ES12। ये देखिए अब ये मदरबोर्ड आ गया, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूं। आप इसी तरह से आप अपना मदरबोर्ड का नंबर भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप ये इसको गीगाबाइट कंपनी का है, इसको आप खोल लीजिए। ये देखिए ये आपका जो आपकी कंपनी का मदरबोर्ड है, जैसे गीगाबाइट कंपनी की वेबसाइट खुल गई है, इसमें जो मैंने मदरबोर्ड का नंबर डाला है ये सेम मदरबोर्ड जो मेरा है ये आ गया है यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में जाना है, ये टोटल ओवरव्यू मिल रहा है आपको। अब आप इसकी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे यहाँ पर, जैसे आप स्पेसिफिकेशन को क्लिक करेंगे आपके सामने इस मदरबोर्ड की पूरी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी पार्ट टू पार्ट। ये देखिए दोस्तों ये हमने स्पेसिफिकेशन इसकी आ गई है। अब देखिए इस मदरबोर्ड में CPU कौन सा लग रहा है, ये पूरी डिटेल आ रही है। इसमें हम कोर 2 जो भी हम CPU लगा सकते हैं ये पूरी डिटेल आ रही है। उसके बाद नीचे देखेंगे इसका साइड बस क्या है, इसमें चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, नॉर्थ ब्रिज के अंदर G31 Express लगा हुआ है और साउथ ब्रिज में इंटेल का ICH7 लगा हुआ है। और ये मेमोरी आप देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था। अब इस मदरबोर्ड के अंदर 2 slot 1.8V DDR2 है। मैंने आपको अभी वीडियो में पीछे बताया था कि जो हमारी DDR2 RAM है वो 1.8V है। अगर 1.8V मेमोरी उस पर लिखा होता मदरबोर्ड पे तो वो DDR2 RAM होती है और इसकी जो सपोर्ट करता है ये मैक्सिमम 4GB तक सपोर्ट करता है। अब उसके बाद देखेंगे ये ड्यूअल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर है, इसके ये जो मदरबोर्ड है ये ड्यूअल चैनल को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये DDR2 को सपोर्ट करता है। उसके बाद इसमें ऑनबोर्ड ग्राफिक क्या है, ऑडियो क्या है, इसमें लाइन का क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स कौन से हैं, उसमें स्टोरेज इंटरफेस क्या है, इसका USB कौन सी है और इसके इंटरनल इनपुट आउटपुट कनेक्टर कौन से हैं, इन सब के बारे में दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी मदरबोर्ड का पार्ट नंबर डालकर उसकी हम पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास जो भी लैपटॉप है या जो भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड है उसकी डिटेल लेकर आप गूगल के अंदर जाके वो नंबर डालेंगे और आपको वो उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन डिटेल के साथ आपको दे देगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंप्यूटर की रैम और उसके पार्ट्स के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। सपोज आपके पास किंगस्टन कंपनी की रैम है, आप किंगस्टन कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि जैसे DDR4 है उसका ये नंबर लिखा होगा रैम के ऊपर, ये नंबर लिखा होता है। आप कोई भी रैम देखेंगे उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, पार्ट नंबर लिखा होगा। इसके अंदर ये जो फर्स्ट 3 करेक्टर है KSM, ये आपको बताएगा कि KSM किंगस्टन सर्वर प्रीमियम। फिर 26 है, 26 इसकी स्पीड बताएगा इन MT पर सेकेंड। 24 का कितना स्पीड है, 26 का क्या मतलब है, 2666 MT पर सेकेंड है, 29 का मतलब 2933 है। इस तरह से ये डिटेल देगा। और नेक्स्ट जो R है
ये बताएगा इसका मॉड्यूल टाइप क्या है, जैसे इसमें ई है, आर है, एल है, एस सी है, फिर उसके बाद है डी। डी का मतलब क्या है, इसका रैंक है। ये एस इज सिंगल, डी इज डुअल, मैंने आपको भी बताया था कि डुअल चैनल है या सिंगल चैनल है, या क्यू जो है वो हमारा क्वाड चैनल भी होता है। तो इस तरह से जो फोर है ये बताएगा डी डी आर रैम का टाइप क्या है, ये 4x4 है या 8x8 है। ये जो L है ये बताएगा पीसीबी प्रोफाइल क्या है। ऐसे ये जो 32 है ये बताएगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8GB है, 16GB है, 32GB है, 64GB है। और उसके बाद ये H है, H बताएगा आपको DRAM मैन्युफैक्चरर क्या है, H के हाइडिक्स है या माइक्रोन है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये इसकी डिटेल यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास जिस कंपनी की रैम है उसका पार्ट नंबर गूगल में डालिए और आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको ये पार्ट नंबर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी एक मेथड है, आप अपनी मेमोरी का डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह कोई ना कोई पार्ट लेके आपको बताता हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।